13 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर में टॉयलेट की शौचालय की व्यवस्था करी, 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर दिया, 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज मोदी सरकार दे रही है। कोई भी बीमारी हो 5 लाख। भाई आप लोग क्यों ताली बजा रहे हो? आपको नहीं मिलता, ये दीदी नहीं मिलने देती है, उसको डर है मोदी लोकप्रिय हो जाएंगे। मगर चिंता मत करो, 2 मई को सरकार बनते ही आयुष्मान भारत योजना पूरे बंगाल के अंदर लागू कर दिया। मोदी जी 10,000 रुपया, 6,000 रुपया हर गरीब खेडूत को भेज रहे, हर किसान को भेज रहे, मगर दीदी वो भी नहीं मिलने देती। अब तक आपको 18,000 रुपया मिल गया होता किसानों को, कितना मिल गया होता? यहाँ 2 तारीख को मोदी सरकार आएगी, बाद में 18,000 रुपया एक साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम एक आपके सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं मिलता है। मगर हम घोषणा कर रहे हैं कि सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। चाय बागान के मजदूर इतने सालों से मांग करते थे, मगर उनकी मजदूरी बढ़ाई नहीं जाती थी। 2017 तक सिर्फ 176 रुपया रखा है, क्योंकि दीदी आपका भला नहीं चाहती है। मैं आपको कहने आया हूं, श्रमिकों की मजदूरी को 350 तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, उत्तर बंगाल के कोई भी दर्द आता है, कोई भी बीमार पड़ता है, कलकत्ते जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है भी बताओ, लेना पड़ता है ना आपको, लेना पड़ता है।
संग्रहालय उनकी भव्य मूर्ति लगाने का काम भी हम करेंगे। मित्रों, ये दीदी के गुंडों ने टोलबाजी बहुत करी, सिंडिकेट चलाई, अम्फान का पैसा लूट खाया है, गोरखाओं पर अत्याचार कराया है। भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या करी है। दीदी के गुंडो, कान खोल कर सुन लो, आप ऐसा मत मानो कि बच गए हो। 2 तारीख को सरकार बनाने के बाद जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम माफिया हो, पानी टैंकर माफिया हो, भर्ती घोटाला करने वाले हो, चाहे वो गौ तस्करी करने वाले। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, आप लोग घुसपैठ के खिलाफ हो या नहीं? घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठ हमारे युवाओं की रोजगारी ले जाती है या नहीं ले जाती है? जैसी योजना लाए,
मित्रों, मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में कहकर जाता हूँ, गोरखा की 11 की 11 उपजातियों को आदिवासी स्टेटस देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी एजेंडा में काम करेंगे। हम जीतेंगे। अरे दीदी, ये चिलचिलाती धूप में मंडप के बगल बैठी हुई मेरी बहनों माताओं को देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी विदाई निश्चित हो चुकी है। शहीद राजीव थापा की धरती पर आकर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। विपुल रॉय और राजीव थापा जैसे शहीदों के कारण ही आज भारत माता पूरे विश्व के अंदर उन्नत मस्तक के साथ विश्व के सामने। मैं इसीलिए शामिल हो रहा हूं कि मैं कुछ काम कर सकूं, कुछ जनता के लिए कुछ कर सकूं। इसीलिए मैं आज योगदान कर रहा हूं भाजपा में। मैं आज अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूं। जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता है, अमित शाह जी जैसे नेता है, उस पार्टी में आज मैं योगदान कर रहा हूं। अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूं। मेरे जितने भी समर्थक आज इस राजनीति क्षेत्र से आए, उन सबको मैं बोलूंगा, थोड़ा हाथ उठा के आप लोग बोलिए, लड़ेंगे, चले एक साथ बोलेंगे, SHMD school new session book are available in Jaiswal Book House, Jaigaon, with heavy discount offers. Please visit at Jaiswal Book House, Bau Bazar Nehru Road, way to Jayashree Building to SHMD School Road, Jaigaon. Book your new session books now and get chance to win exciting gifts also. For more details, please contact on 9434604243 or 7384699896, B mobile 7729852 3. Thank you.